जब भी कोई छात्र अपना ग्रेजुएशन पूरा करके और जो अपने कैरियर के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में जब इस कुरुक्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके सामने समस्याएं होती है कि वो तैयारी कैसे करें। प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा डीएम बने, एसपी बने, और जो बच्चे पढ़ने में मेधावी हैं, जिनका एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में टॉप किया है, अच्छे कॉलेज से बीटेक किया है, आईआईटीएन है या मेडिकल में बहुत अच्छे हैं, सभी ये चाहते हैं कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करें। पर हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर बिगनर्स, शुरुआत की तैयारी कैसे करें, ये बड़ी समस्या आती है। किस शहर में जाएं, जो भी मेरे जानने वाले हैं, अक्सर उनके माता पिता, उनके भाई बहन, वो खुद हमेशा यही पूछते हैं कि दिल्ली भेजें या प्रयागराज में भेजें अथवा लखनऊ भेजें, कौन सी कोचिंग कराएं। ये सारी चीज़ें जो है, जो भी पेरेंट्स हैं उनमें अपने बच्चों के लिए ये चलती है कि कहाँ से तैयारी कराएं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सा सब्जेक्ट लें। पर बहुत कम लोग जानते हैं, हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया, मेंस दिए, कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो कभी मेंस पहुंचे, कभी मेंस नहीं निकला तो कभी प्रीलिम्स नहीं निकला। और एक ऐसा एग्जाम है सिविल सर्विसेज की जिसका कोई क्राइटेरिया एक्चुअल में बहुत कम लोग ही पहचान पाते हैं। जिस लड़के ने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, उस लड़के ने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। और जिसने बीएससी में, जो लड़का सेकंड डिवीजन से पास हुआ था, उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में दो साल की तैयारी में सिविल सर्विस क्रिएट कर दिया। तो बहुत लोग कहते हैं कि अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये एग्जाम है, भारत का सबसे कठिन एग्जाम है। पर मैं आपको बताता हूं कि इस का बेस क्या है, आधार क्या है, और आप तैयारी करें तो किन चीजों को लेके चलें। सबसे पहले तो इस परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके ज्यादातर जो प्रश्न पत्र हैं उनमें आप देखिए जो प्रश्न होते हैं वो सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं। और यही चीज जो है, जो प्रतियोगी जो छात्र हैं, जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उनको उलझा देती है। अभी संडे को मैंने पेपर देखा तो कई ऐसे क्वेश्चन थे जो खुद कोचिंग के जो मेंटल थे, जो कोचिंग के टीचर थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर क्या होगा वो आज भी जो है किसी को पता नहीं है। एक साल बाद जब इसकी मार्कशीट वगैरह आएगी, कुंजी आएगी, तब फिर पता लगेगा कि इसका आंसर क्या। इतना उलझा हुआ, इतना घुमाव। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट मुझसे बात करते रहते हैं। मेरा इलाहाबाद में घर था, प्रयागराज में मेरे घर का कुछ पोर्शंस खाली थे, कुछ कमरे खाली पड़े थे, मैंने बहुत प्रतिभाशाली लड़कियां जो थीं उनको रेंट पर दे दिया कि आप तैयारी करें, माहौल बनाएं, और वो लड़कियां तैयारी करती हैं। तो उनके पेरेंट्स से जब बात होती है तो यही कहती हैं कि भाई मेहनत करेगी, लड़की निकल ही जाएगी।
मेरी लड़की का 90% है, 95% है, तो सिविल तो निकाल ही लेगी। तो लेकिन इसका जो मूल मंत्र है वो शायद ही कोई विद्यार्थी समझ पाता हो, क्योंकि इसमें ज्ञान तो काम करता है, मेहनत भी काम करती है, पर ज्ञान और मेहनत जो है, नॉलेज, और आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत आप एकदम सारा घोंट ले रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं आता है, क्योंकि इसमें ज्ञान के साथ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर से अपेक्षा करता है कि स्टूडेंट जो है में एनालिटिक स्किल होनी चाहिए, यानी वो किसी चीज़ को एनालिसिस कर सके। खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, आपने किताबें पढ़ ली, आपको यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स होते हैं या और कंपटीशंस के पेपर होते हैं उसमें सीधे सीधे आंसर लिखने होते हैं, पर यहाँ का जो एक पैटर्न है, जो ट्रेंड है, क्योंकि एग्जामिनर्स वो ये चाहता है कि किस लड़के में एनालिटिक पावर्स कितनी है, एनालिटिक स्किल कितनी है, वो किसी चीज़ का विश्लेषण कैसे करेगा। तो इसमें अगर आपको सफल होना है तो इसमें खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा, मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपको एनालिटिक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि आप विश्लेषण कर सकें, एनालिसिस कर सकें कि जो चीज़ दी गई है वो उसका आपको कोई टॉपिक दे दिया आप उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको सिविल सर्विस क्रैक करना है। अब एनालिटिक स्किल के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसके क्वेश्चंस पर जो मार्क्स मिलते हैं उसमें लोग देखते हैं कि मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं एक्सप्रेशन पर, कम्युनिकेशन स्किल पर, अभिव्यक्ति पर। आपको ज्ञान भी हो गया, आपने एनालिटिक स्किल भी प्राप्त कर ली, लेकिन अब आपको मार्क्स फिर भी नहीं मिल रहे, तो इसका कारण है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आप जो आंसर दे रहे हैं वो एक्सप्रेशन क्या है, अगर आपको ज्ञान है और आप आंसर ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं तो वो ज्ञान और वो एनालिटिक आपकी जो स्किल है वो किसी काम आने वाली नहीं है। इसलिए इसमें ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेशन स्किल पैदा करें, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो आप आंसर दे रहे हैं वो आंसर देने की कला, कि एग्जामिनर्स आपसे क्या चाह रहा है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाह रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी में ये बहुत काम देता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, अभिव्यक्ति कैसी है आपकी। तो जब आपके पास ज्ञान होगा, आप मेहनत करेंगे, आप पहले सब्जेक्ट्स के उसके सिलेबस को देखिए, पैटर्न को देखिए। आप ये उम्मीद मत करिए कि मैं 10 साल के, बहुत लोग कहते हैं कि आप जो है पिछले 10 साल के पेपर हल कर दें, कुछ हल होने वाला नहीं है। पिछले 10, 15 साल, 5 साल के अगर सारे पेपर भी आप हल कर देंगे तब भी ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सक्सेस हो सकें। आपको हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, किस चीज़ में क्या पूछ दिया जाए और किस जगह से। इस साल ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल आए, लेकिन इन्वायरमेंटल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इतने समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें जो है इतने नज़दीक आंसर थे कि कौन सा आंसर सही है अभी तक समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो इतने घुमावदार होते हैं, सीधे साधे नहीं होते हैं, इसलिए इसमें आपको जो है एनालिटिक स्किल आपकी बढ़ाने पड़ेगी। फिर आप जो आंसर लिखते हैं उनमें नंबर तभी मिलते हैं जब एग्जामिनर संतुष्ट हो गए, आपके अंदर अभिव्यक्ति है, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन जरूरी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।